हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम टैट नवंबर 2020 में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 91 था क्योंकि मैथमेटिक्स सेक्शन तीसरा होता है और 91 क्वेश्चन था द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द प्री नेचुरल नंबर अदर देन वन इज ऑप्शन ए है सिक्स फोर सिक्सटीन एंड एट क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो हमेशा डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑर्ड नेचुरल नंबर देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना है ऑप्शन में दिया गया है सिक्सटीन हमारा सबसे बड़ी वैल्यू तो करिए स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ये थोड़े से डिजिट मैंने लिख लिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो ऑलवेज डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ प्रीडेसेसर ऑफ अ ऑर्डर ऑर्ड नंबर कौन कौन है थ्री है फाइव है सेवन है नाइन है नाइन का आगे टेन लिख देता हूं ठीक है को डिवाइड करेगा किसको प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नेचुरल नंबर के मल्टीपल को जैसे इसका कितना आ गया फोर टू हजार एट सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर सिक्स एटार फोर्टी एट टेन एट्टी ठीक है अब ऑप्शन क्या है देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सिक्स फोर सिक्सटीन एंड एट तो देखिए क्या ये फोर से तो डिवाइड हो रहा है ठीक है ऑप्शन फोर भी है और उसको एट एट 8. 8 से भी डिवाइड हो रहा है ठीक है सिक्स और सिक्सटीन तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया अब लेकिन हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर फोर और एट में ग्रेटेस्ट क्या है एट ग्रेटेस्ट है तो एट यहां पर जो है हमारा राइट आंसर होगा सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मीन ऑफ हंड्रेड ऑब्जर्वेशन इज फिफ्टी इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वॉज then इज रिप्लेस्ड will be क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है देखिए 100 ऑब्जर्वेशन का मीन तो कैसे निकलता है मीन मीन निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 50 दिया गया है ठीक है अब देखिए निकालिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज इक्वल टू 5,000. और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 100 ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन बोला गया कि कोई ऑब्जर्वेशन थी 50 जिसे रिप्लेस करना है 50 को ठीक है तो 50 माइनस कर दीजिए माइनस कर दिया 50 कितना आएगा 4,950. ठीक है कितनी टर्म्स होगी ये 99 टर्म्स ठीक है अब इसकी 50 की जगह क्या डालेंगे हम 150 तो उसको ऐड कर दीजिए विच इज इक्वल टू जीरो फाइव फाइव टेन नाइन वन टेन एक इलेवन चार एक पांच इक्यावन सो तो ये तो आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब मीन निकालना है इसे डिवाइड करेंगे हंड्रेड से जीरो से जीरो के 51 आ जाएगा ठीक है सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट right आंसर है जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा है उस आंसर को आप मत देखिएगा जो मैं यहाँ पर आंसर करवाऊंगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ठीक है तो आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया पहले ऑब्जर्व सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही हमने डायरेक्ट निकाल ली उसमें से 50 को माइनस किया 50 को माइनस करने के बाद 150 उसमें डाला और फिर से उसका मीन निकाला ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होना था नेक्स्ट क्वेश्चन

माइनस आठ माइनस सात माइनस छ माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक कितने हुआ ये एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह डिग्री सेल्सियस राइज किसमें आया माइनस दस डिग्री सेल्सियस टू वन डिग्री सेल्सियस माइनस एटीन डिग्री से माइनस इलेवन डिग्री ये तो साफ दिख रहा है कि इससे छोटा है दूसरा है लास्ट है माइनस फाइव डिग्री टू फाइव डिग्री कितना आएगा इसमें आएगा दस डिग्री सेल्सियस देखकर ही पता चल रहा है तो ऑप्शन सी सी जो है हमारा right है हमारा राइट आंसर ग्यारह डिग्री सेल्सियस किसमें आप कीजिएगा ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर ग्यारह डिग्री सेल्सियस किसमें टेन डिग्री सेल्सियस टू वन डिग्री सेल्सियस इसमें जो है सबसे ज्यादा राइज हुआ टेम्परेचर का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ पिक्चर हॉल फॉर एट ट्वेंटी परसेंट एक पिक्चर हॉल में जो कितनी सीट है देखिए कितनी सीट है आठ सौ बीस है एट रिसेंट फिल्म इट वॉज थ्री बाय फोर फूल कोई एक प्रवेश करता है मान लीजिए उसको फर्स्ट से ही डिनोट करते हैं कि ये कितना फूल है थ्री बाय फोर तो कितनी सीट हुई थ्री बाय फोर इन टू फोर एट ट्वेंटी विच इज इक्वल टू फोर वन जार फोर फोर टू जार एट जीरो पांचो के बीस है सीट कह रहा है कि पहला जो प्रवेशक था उसने अनुमान लगाया छः सौ पंद्रह सीट फूल थे दूसरा आया सेकंड सेकंड क्या बोल रहा है कि कितना टू बाय थ्री फूल तो मतलब कितनी सीट हुई करिए थ्री वन जेरो तो थ्री थ्री टू जेरो सिक्स सात की एक बाईस तीन तीन अप्रोक्सीमेटली इतनी तीन दो छ सात दो है चौदह दो दो चार एक पांच पांच सौ छियालीस है ठीक है लेकिन टिकट ऑफिसर रिपोर्टेड सिक्स फोर्टी एट सेल्स जो टिकट ऑफिसर है वो क्या बोल रहा है कि 648 हो चुकी है ठीक है असर मेड द बेटर गैस तो किसकी गैस ज्यादा सही है अब देखिए सिक्स फोर्टी एट के नजदीक है सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन तो जो पहला प्रवेशक था उसने जो है बहुत अच्छे से अनुमान लगाया है तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इलेवन ट्वेल्व सो ऑन अरेन्ज इन असेंडिंग ऑर्डर इज ट्वेंटी वन मीडियन बोला गया है ठीक है मीडियन कितना दिया गया है मीडियन दिया गया है ट्वेंटी वन ठीक है अब क्या है बोल रहा है कि मीडियन क्या होता है देखिए कितने वैल्यूज हैं इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन एटीन चार पीछे और चार आगे जो बीच वाली वैल्यू हुई वो हमारी मीडियन हुई अगर ऑड नंबर ऑफ हो वैल्यू होती है तो एक्स प्लस टू कितना आ गया ट्वेंटी वन x कितना आ गया 19 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो x 19 आ गया ठीक है तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर हाँ अगर ये जो वैल्यू है अगर ये जो डिजिट्स हैं ये हमारे पास इवन होते जो बीच की दो वैल्यू होगी जैसे ए मान लीजिए और बी मान लीजिए उनको ऐड करके डिवाइड बाय टू से करना था तब इसके बराबर करना था तो वो हमारी मीडियन निकलनी थी ठीक है आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंगल विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंटरी एंगल क्या होता है ऐसा एंगल जिसका सम कितना हो 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होता है 90 डिग्री का जिसका सम हो अब ये कह रहा है ऐसे एंगल है सप्लीमेंट्री क्या है एंगल सप्लीमेंट्री लेकिन अपोजिट है तो ऑप्शन बी देख के ही पता चल रहा है नाइन्टी डिग्री क्योंकि 90 डिग्री एंड 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री एंड 90 डिग्री होंगे ऐसे ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री इनका सम कितना आएगा 180 मतलब सप्लीमेंट्री है और वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे के देखिए वर्टिकली अपोजिट है सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ ए क्या बोल रहा है कि जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो साइड ऑफ ट्राइंगल इनमें से कौन सा नहीं है तो ऑप्शन ए चेक करते हैं पहले थ्री फोर फाइव है देखिए सम करिए इन दोनों का. जो वो जो है इसके बराबर होना चाहिए, तभी जो है ठीक है? है तो ऑप्शन ए तो ये तो साइड है ट्राइंगल की हमसे पूछा गया कौन सी नहीं है ऑप्शन बी चेक करिएस टू जार फोर 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 सिक्सटीन ये बराबर होना चाहिए सिक्स के स्केयर थर्टी सिक्स का विच इज ट्वेंटी विच कैन नॉट इक्वल टू थर्टी सिक्स तो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर आ गया ये जो ऑप्शन बी है ये साइड नहीं है ट्राइंगल के तो ऐसे आप ऑप्शन के हिसाब से उन्हें चेक कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी वेर ए बी इज इक्वल टू ए सी वैल्यू ऑफ एंगल ए डी सी देखिए मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी का क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है ठीक है ये जो ए बी है ए सी के बराबर है और डी क्या है मिड पॉइंट है किसका बी और सी का तो यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए ठीक है हमें पता है सम ऑफ द ट्राइंगल एंगल का कितना होता है

ए डी सी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री हमारे पास आ गया कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट right आंसर चलिए नेक्स्ट चलिए ट्वेंटी फाइव परसेंट देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली कैसे हल कर सकते हैं हम क्या बोला गया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव क्वेश्चन जो है उनका आंसर देख के जो है आपको सॉल्व करने चाहिए देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद एक नजर जो है आप उसके ऑप्शन पे मारेंगे ठीक है अब हल करिए देखिए हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड ऑफ मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू ऑप्शन सी जो है इसकी तरह लग रहा है इसे हम लिख सकते हैं देखिए हंड्रेड सुपर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करिए पॉइंट जीरो वन आ गया डिवाइड बाय हंड्रेड लेकिन आंसर परसेंटेज में है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया पॉइंट जीरो वन परसेंट तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनके ऑप्शन देख के ठीक है सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है अ फ्रूट सेलर परचेज ट्वेंटी के जी ऑफ एप्पल एट फिफ्टी पर के out of these 10% of apple were found to be rotten if he sell the remaining apple 60 per kg then his dash percentage hame dekhna hai us loss hua ya profit hua sabse pehle dekhiye cost price of 20 kg apple ka kitna hoga 20 into 50 which is equal to 1000 rupees क्योंकि 50 पर केजी बेचे ठीक है अब ये क्या बोल रहा है कि 10% apple है rotten तो ठीक है रोटन apple कितने हुए

18 60, क्योंकि 60 पर केजी बेचा अड़तालीस एक हजार अस्सी में उसने बेचा खरीदा कितने में एक हजार में बेचा कितने में एक हजार अस्सी में कितना हुआ उसको प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट कितना हुआ उसको अस्सी रुपए का ठीक है लेकिन हमने निकाल दिया परसेंटेज ठीक है अब देखिए अस्सी रुपए का प्रॉफिट उसको कितने रुपए पर हुआ एक हजार रुपये हुआ अस्सी रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको एक हजार पे परसेंटेज के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई इस जीरो के साथ ये जीरो विच इज इक्वल टू एट परसेंट प्रॉफिट हो गया उसको ठीक है तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट right आंसर है तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर्मूलाज आने चाहिए क्वेश्चन खुद ब खुद जो है सॉल्व होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिपॉजिटेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ हर मनी इन परसेंट ऑफ रिमाइंडर सी हैज फोर्टी एट हंड्रेड लेफ्ट विद हर हाउ मच मनी डिड सी ऑरिजिनली है मान लेते हैं लेट एक्स विल बी द मनी उसके पास ओरिजिनल मनी है ये क्या बोल रहा है कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ इसका ट्वेंटी परसेंट बैंक में डाल दिया ठीक है बैंक में कितना डाल दिया इसका ट्वेंटी परसेंट कितना होता है ट्वेंटी परसेंट x/5 जो है बैंक में डाल दिया अब रिमेनिंग कितना बचा उसके पास देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा बैंक में उसने इसका 20% डाला x का 20% होता है x/5 ये डाल दिया बैंक में ठीक है रिमेनिंग तो उसके पास बचा x जो टोटल था उसमें से माइनस करेंगे जो बैंक में डाल दिया तो ये उसके पास बच गया कितना बचा 4x/5 ये उसके पास इस टाइम अमाउंट है कौन सा अमाउंट है टोटल में इसे बैंक में डाल दिया बचा कितना 4x/5 अब ये बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ रिमाइंडर इसका भी जो है स्पेंड करना है कितना 20% निकालिए स्पेंड कर रहे हैं हम कितना 20% किसका जो उसके पास रिमेनिंग है रिमेनिंग कितना है 4x/5 20 by 100 व्हिच इज इक्वल टू 4x by 25 ये क्या किया हमने स्पेंड किया क्या किया ये स्पेंड किया तो अमाउंट कितना कितना किया फोर एक्स बाय ट्वेंटी फाइव स्पेंड किया ठीक है तो इतना अमाउंट उसके पास बचा ट्वेंटी एक्स माइनस फोर एक्स विच इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स डिवाइडेड ट्वेंटी फाइव ये बचा उसके पास अमाउंट ठीक है बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया स्पेंड भी कर दिया बचा कितना इतना अब ये बोल रहा है कि ये अमाउंट है किसके बराबर फोर्टी एट हंड्रेड के बराबर कितना आया देखिए सॉल्व करिए सोलहती है अड़तालीस जीरो एक्स इज इक्वल टू पच्चीतिया पचहत्तर पचहत्तर तो एक्स क्या था उसका टोटल अमाउंट था तो एक्स कितना आ गया पचहत्तर आ गया सो ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट right आंसर है इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होना है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्स बाय फाइव कहां से आया हाँ? देखिए ये ये जो फाइव था ये उसने डिपॉजिट किया टोटल में से डिपॉजिट किया तो उसके पास बचा कितना जब हम इस डिपॉजिट को माइनस करेंगे ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ दो

इलेवन फोर फाइव वन फाइव फोर वन फाइव फोर डिवाइड रूट ऑफ वन फाइव फोर डिवाइड बाई पाइव विच इज इक्वल टू देखिए वन फाइव फोर डिवाइड बाई पाइव को हम क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी टू बाय सेवन इलेवन से काटिए इलेवन टू जेर ट्वेंटी टू इलेवन वन जे इलेवन फोर इलेवन टू इज कितना आ तो आ गया गया तो ठीक है हमें पूछा है ऑफ सर्कल सरकेंस कितनी होती है टू पाई आर तो कितना आ गया टू इंटू ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर सेवन विच इज इक्वल टू फोर्टी फोर सेंटीमीटर सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट right आंसर है आज की वीडियो में बस इतना ही कल वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जय हिंद जय भारत